सरकारी, एकमात्र मांग है हमारी सभी नियोजित शिक्षकों को करके। हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं और तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक कि सभी 4 लाख शिक्षकों को राज्य करेगा। जिस तेजस्वी की सरकार शिक्षकों को निलंबित करके बर्खास्त करके डराने का प्रयास कर रही है ना, वो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल पर बने रहे। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अभी तो निलंबित कर रही है, कार्रवाई कर रही है, स्पष्टीकरण कर रही है, लेकिन गोली भी चला देगी तो शिक्षक पीछे हटने वाले नहीं है। सभी संगठन मिलकर इसका घोर निंदा करते हैं। जबकि आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया था, प्रशासन के तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, सरकार के तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, लेकिन आंदोलन समाप्ति के बाद आने के बाद जो यह कार्रवाई हो रहा है, निलंबित किया जा रहा है, इसकी घोर निंदा करती है और आने वाले समय में और आंदोलन को तेज किया जाएगा। अगर 25 तारीख को सफलतापूर्वक वार्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं होती है और एक मांग है सभी शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा दो, अगर यह पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में और आंदोलन तेज किया जाएगा। तो आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वरीय उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह। आप निलंबित करवा दीजिए, बर्खास्त करवा दीजिए और उससे भी ज्यादा क्या करवाइएगा, उससे ज्यादा गोली चलवा दीजिएगा। अपना जो गुंडा है उससे गोली भी चलवा दीजिएगा, तब भी शिक्षकों के हर सांस पर बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए इनकलाब लिखा रहेगा, यह स्पष्ट तौर पर आप जान लीजिए। तो आप देखिए ठीक ना, पटना में इस बार पुलिस के द्वारा कोई प्रताड़ना नहीं, सरकार का भी रवैया बढ़िया रहा ठीक ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना पुलिस की कार्यवाही बर्बरतापूर्ण शिक्षक के खिलाफ रही है, ना ही सरकार जो है शिक्षकों के खिलाफ पटना में बयान दी है, विधानमंडल में सकारात्मक बयान दी है सरकार, तब हम लोगों ने आंदोलन स्थगित किया था। लेकिन वहां से आने के बाद जिस तरह से सरकार का दोगली नीति है ना, इस दोगली नीति का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बात करेंगे, दूसरे तरफ कार्यवाही करते हैं। कार्यवाही किस बात की कार्यवाही, जब भारत का संविधान कहता है कि सभी प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, उस फंडामेंटल राइट को सीज करना चाहते हैं, वो नहीं होगा आपसे ठीक ना, और उसको सीज करने का प्रयास किया तो बिहार का 4 लाख शिक्षक आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी वार्तालाप करने के लिए जा रहे हैं, अच्छा संकेत है। 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी वार्तालाप करेंगे तो हम लोगों का एक ही मांग रहेगा, क्या एक मांग है हमारी, सभी शिक्षकों को करो सरकारी गाड़ी। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक के वरीय उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह को। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है 25 तारीख के वार्ता के लिए, इसका सभी शिक्षक स्वागत करते हैं। अगर शिक्षकों को राजकर्मी का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है तो आगे और तेज लड़ाई होगी। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।